कैसे हो आप सभी लोग। आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं आज काफी दिन बाद फिर ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आप लोग सोचेंगे कि दी हमेशा यही बोलती रहती है कि काफी दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ गाइज, मेरा मन ही नहीं कर रहा है ब्लॉगिंग करने का। जैसे मैंने आपको बताया है कि मतलब जिस तरीके से मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो मेरे मुझे उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ और मेरा मन भी नहीं कर रहा है एक तरीके से कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, क्योंकि नहीं आते हैं व्यूज, नहीं आते हैं तो थोड़ा मन होता है ना, अजीब सा हो जाता है। एनीवे, ये चीजें तो चलो छोड़ो। आज है वेडनेसडे और आज जो डेट है वो है 21 अक्टूबर। और आप लोगों को पता है कि आजकल क्या चल रहा है। हाँ जी, आजकल नवरात्रा चल रहे हैं, तो आज है पांचवा नवरात्रा व्रत। तो मेरा तो फास्ट नहीं है क्योंकि मैंने नहीं रखा था फास्ट, बट हमारे घर में आज कीर्तन है तो मैंने सोचा चलो आज इसी टाइम में अपना व्लॉग स्टार्ट कर दूं। पहले मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, टाइम दो बज चुकी हैं और मैं अभी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा जो कीर्तन हमारे अपने घर में हो रहा है तो आप लोग के साथ शेयर कर दूं, थोड़ा बहुत माता रानी के भजन आपको सुना दूं। वैसे तो गाइज मंदिर में भी हो रहा है बट हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप लोग को पता है कोरोना थोड़ा बहुत है ही अभी, भले कोई लोग नहीं मान रहे, कई लोग तो मान भी नहीं रहे कि कोरोना अब है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है ना, डर तो रहता ही है, तो कोरोना है लेकिन हम लोग इस वजह से मंदिर में नहीं गई। तो जो भी हमारे गली मोहल्ले के जो आसपास के लोग हैं तो वो सारे जितने भी गली में जितने लेडीज हैं वो सारी लेडीज हैं, कभी किसी के घर में करते तो कभी किसी के घर में करते, तो ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे मंडली बनाई हुई है, तो उस अकॉर्डिंग आज हमारे घर पे कीर्तन है। आज पांचवा जो नवरात्रि का व्रत है वो आज हमने अपने घर पे किया है। सो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, आप लोग को भी थोड़ा माता रानी के दर्शन करा लेती हूँ, थोड़ा बहुत कीर्तन भजन सुना लेती हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये ब्लॉग बना ही लूँ अपना, क्योंकि नहीं बना रही थी तो होता है ना, मन तो मेरा भले खराब हो गया, मन तो भले ही मेरा ये खराब हो रहा था कि बनाना नहीं वीडियो क्योंकि आई नहीं रहा रिस्पॉन्स, तो क्या फायदा। तो मैंने अभी सोचा चलो छोड़ो, बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि खुद एक अंदर से होता है ना कि भाई नहीं, हमने वीडियो बनानी ही है, छोड़ना नहीं है, लेकिन कभी कभार मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं वीडियो नहीं बनानी है यार, क्या फायदा जब कुछ हो ही नहीं रहा है, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, थोड़ा अजीब सा फील होता है यार। एक डेढ़ साल होने को एक साल तो कम्प्लीट हो गया मेरे को अगस्त में, एक साल मेरे चैनल को हो गया और रिस्पॉन्स मेरे को ना के बराबर मिला हुआ है, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं ब्लॉगिंग करूं। मैं काफी सारे यूट्यूबरों को देखती हूँ जिनका एक साल में ही इतना ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, 80-90 हजार जिनके सब्सक्राइबर हो जाते हैं, व्यूज भी अच्छे आते हैं, बट मेरे चैनल को देखो, सेम वर्क वही करते हैं, सेम वर्क हम भी वही करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स हमारे चैनल पे ना के बराबर है। सो इस वजह से थोड़ा मुझे कुछ दिन से अच्छा फील नहीं हो रहा था, मैं नहीं चाह रही थी मैं ब्लॉगिंग करूं, बट अभी खुद होता ही है ना, अपना ही काम है तो क्या करें। बोलते हैं ना लोग कि हमें कोई चीज पसंद ना हो और अगर वो चीज हमारी अपनी ही हो तो हम उसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं कर सकते, तो वही बात है, चैनल मेरा ही है, भले मेरा मन नहीं कर रहा है बट फिर भी मुझे बनाना पड़ेगा। और हाँ, मैं आप लोग को ये बता दूं कि मेरे चैनल पे 150 से भी ऊपर वीडियो हैं, 150 से ऊपर आप लगा सकते हो, इतनी मेहनत की मैंने एक साल में। लोगों के चैनल में एक साल में 40-50 ही वीडियो रहती है, बट मेरे चैनल की अगर आप वीडियो देखोगे 150 से ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो है, तो आप लगा सकते हैं गाइस कि मैं कितना ज्यादा इस पे काम करती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ। फिर भी थोड़ा बुरा तो लगता है कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से थोड़ा मैं क्या बताऊँ आपको, अपनी फीलिंग होती है जो मैं बता नहीं सकती हूँ, बुरा भी लग रहा है बट क्या कर सकती हूँ, छोड़ो अभी मैं ज्यादा बकबक नहीं करती हूँ, वैसे मैं बहुत बकबक करती हूँ, सीरियस भी हो गई मैं इस मैटर में, तो ये नहीं होती हूँ। और हाँ, मैं आपको चीज दिखाती हूँ, आप लोग मुझे बोलते थे ना, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप डेली यूज में ब्लॉगिंग करते टाइम साड़ी पहनो, तो लो आज आपके दिन है साड़ी पहन ली, साड़ी मेरी सिफोन की है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही हल्का, इसका जो फैब्रिक है बहुत ज्यादा अच्छा है और बिल्कुल सॉफ्ट है और हल्का, देखो ना के बराबर, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि साड़ी पहनी है, तो अच्छा लगा। नवरात्रि का फास्ट भी था, घर में ही कीर्तन था, तो मैंने कहा चलो साड़ी पहन लेती हूँ, थोड़ा आप लोग को भी दिखा लेती हूँ, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि दी साड़ी पहन के ब्लॉगिंग करें, तो लो आज आपकी दी ने आप सभी लोगों की जो इच्छा थी वो पूरी कर दी, अब आप लोग खुश होना। एनीवे, चलो अभी ज्यादा बकबक नहीं करती हूँ, टाइम होने वाला 3 बजे से कीर्तन शुरू होने वाला है, तो मैं अभी थोड़ा अपने हेयर बाल वाल बनाती हूँ, ऐसे जोकर से लग रही हूँ, घर में नहीं मिलता है भाई टाइम, हर कोई, मैं अलग से नहीं हूँ, जो भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं, कई देखे होंगे आपने, कई लोग तो मेकअप पोत के बना के बिल्कुल पिच होके आ जाते हैं और ब्लॉगिंग करने लग जाते हैं, उनका होता है ना कि वो सारी चीजें उन्होंने वो करी रहती है कि अब ये करना है वो करना, वो पहले से सोच लेते हैं, तो बट मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज को पहले से सोच के नहीं रखती हूँ,
मुझे अभी ब्लॉगिंग करनी थी तो मैंने ट्राइपॉड उठा रहा, कैमरा लगाया और शुरू हो गई। मैं ये सोच के नहीं रखती हूँ कि भाई पहले मैं ये करूंगी फिर वो करूंगी फिर वो करूंगी फिर ब्लॉगिंग करूंगी, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। मुझे जब मौका मिलता है मैं तब ब्लॉगिंग कर देती हूँ, ठीक है, मैं ऐसी ही हूँ। एनीवे चलो अभी अपने आपकी दी अपने बाल वाल को बना दी, थोड़ा मैं कपड़े कपड़े कर दिया, फिर सीधा आपको कीर्तन में दर्शन कराती हूँ। ओके बाय। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी यहाँ पे कीर्तन होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने सजाया हुआ है यहाँ पे माता मंदिर। सो रेडी हो चुके हैं, अभी आएंगे कीर्तन वाले, तो कुछ इस तरीके से सजाया हमने। ये देखिए ये अपने गेट के मतलब जो हमारा आंगन है इसके आसपास, बाकी यहाँ पे देखिए आप ये हमारा अंगूर की बेल। और अभी छाया होने वाली है क्योंकि 3 बज चुके हैं और सर्दियों के दिन शुरू हो गए। सो चलो हम करते हैं पूजा, और पीछे हमारा जो माता रानी का दरबार है सज चुका है, और थोड़ी देर में यहाँ पे मतलब कीर्तन मंडली वाले आएंगे, यानी कि हमारी गली आस पड़ोस वाले आएंगे। तो चलो ज्यादा ब्लॉग को नहीं खींचती हूँ, सीधा आप लोगों को माता रानी के भजन सुनवाती हूँ, ठीक है। बोलो हमारे यहाँ पे कीर्तन हो गया है। हेलो हेलो बोलो, हाय हेलो हाय, बहुत बहुत बधाई हो आप लोग। सो खाना हमारा बन चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये देखिए पनीर की सब्जी बनाई है और आटा लगा लिया मैंने गूंद के, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है और अच्छा लगता है। पहले आटा गूंद के रख दो ना, फिर हमारी जो रोटियां हैं फूली फूली बनती हैं। और साथ में दाल हमारी बन चुकी है, थोड़ी देर में हम खाना बनाएंगे। सो पीछे देख लो किचन कितना मैसी पड़ा हुआ है।